सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचपी फोटो एडिटिंग। तो आज हम आपको इस वीडियो में विंटर फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाले गाइस। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरा कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो इस वीडियो में जितने पीएनजी का यूज किया गया पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले गाइस, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट फॉर इट। सो सबसे पहले आपको पिकट एप्लीकेशन में बैकग्राउंड ऐड कर लेना। सो हम यहाँ पे पहले से ऐड कर लिए हैं। देन यहाँ पे हम ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम मॉडल का पीएनजी ऐड कर लेंगे। सो हम यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ पे ऐड हो जाने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। सो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करने नहीं आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख कर यहाँ पे बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। सो हम इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। फिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सो ये हम इसे अच्छी तरीके से फिक्स करेंगे वरना आपका फोटो यहाँ पे इसका पोजीशन खराब हो सकता है। देन यहाँ पे कर देंगे डन। डन कर देने के बाद ऐड फोटो पे फिर से क्लिक करेंगे और एक और पीएनजी हम यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। सो हम इसे अच्छी तरीके से इसे भी हम यहाँ पे जूमिंग करके यहाँ पे जो हमारा शूज है उसके नीचे हम यहाँ पे परफेक्ट तरीके से साइडों का पीएनजी हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। सो ये सही पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे कर देंगे डन। डन कर देने के बाद ये देख सकते हैं हमारा पीएनजी जो है परफेक्ट तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एक और पीएनजी हम ऐड कर लेंगे। सो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे इसे हम अच्छी तरीके से हेयर वाले पीएनजी को हम यहाँ पे अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। सो इसे हम अच्छी तरीके से फिक्स कर लेते हैं। सो ये हमारा फिक्स हो चुका है। देन यहाँ पे इस पर हम फिर से क्लिक करेंगे। देन इसके ओपेसिटी हम यहाँ पे माइनस के साइड कर लेंगे। सो ये देख सकते हैं, सो इसका ओपेसिटी हम यहाँ पे हल्का सा और ऊपर के साइड रखेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट है। देन यहाँ पे हम कर देंगे डन, ये देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे ऐड फोटो पे फिर से क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम एक और पीएनजी ऐड कर लेंगे। सो ये हम पीएनजी ऐड कर लिए हैं जो छोटे छोटे बर्फ के गोले का जो बारिश होता है उसका हम यहाँ पे पीएनजी ऐड कर लिए हैं। सो ये ऐड कर लेने के बाद इसे हम यहाँ पे अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे। फिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे हम इरेजर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे फटाफट ब्रश कर लेंगे। सो यहाँ पे हम ब्रश कर लेते हैं, देख सकते हैं इसका ओपेसिटी हार्डनेस और साइज का हम यहाँ पे माइनस के सॉरी जितना था उतना ही रहने दिए और यहाँ पे हम इसे ब्रश कर लिए। सो हम यहाँ पे फटाफट इसे ब्रश कर लेते हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल ही आसानी से करिएगा और यहाँ पे बिल्कुल ही आराम आराम से करिएगा वरना आपका फोटो यहाँ पे ख़राब हो सकता है, देख सकते हैं। सो हम यहाँ पे फटाफट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। सो हम यहाँ पे जूमिंग करके दिखा दे रहे हैं कितना ज़्यादा क्रिएटिव लगा। देंगे यहाँ पे डन कर देंगे। डन कर देने के बाद इसका ओपेसिटी हम यहाँ पे माइनस के साइड कर लेंगे। हम इसका ओपेसिटी माइनस के साइड कर लेते हैं। सो ये हो जाने के बाद फिर से हम यहाँ पे इरेज वाला आइकन पे क्लिक कर दिए बिकॉज जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रह गया था। तो हम यहाँ पे कर देंगे फिर से डन। डन कर देने के बाद यहाँ पे फिर से डन कर देंगे और ये देख सकते हैं हमारा फ़ोटो कितना ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है। आपको जूमिंग करके हम यहाँ पे दिखा देते हैं, तो देख सकते हैं। देन ये हो जाने के बाद यहाँ पे हम इसे जूम आउट कर लेंगे। देन यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक और पीएनजी हम ऐड कर लेंगे। सो हम यहाँ पे फिर से ऐड कर लिए हैं। सो हम यहाँ पे इस बार बैकग्राउंड का पीएनजी ऐड कर लिए हैं बिकॉज जो हमारा जो पीछे का लाइट है वो हमारे जैकेट के ऊपर नहीं आ रहा, इसी के कारण हम यहाँ पे इसे ऐड कर लिए हैं। और इसका ओपेसिटी हम यहाँ पे माइनस के साइड करके जूमिंग करके इसका जो लाइट है यहाँ पे फिक्स कर लेंगे जैकेट के ऊपर। देन यहाँ पे कर इन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे ब्रश कर लेंगे। सो इसका साइज यहाँ पे साइज हार्डनेस ओपेसिटी सब माइनस के साइड करके हम यहाँ पे ब्रश कर लेंगे। सो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से ब्रश करिएगा और सेफ्टी से करिएगा। सो हम यहाँ पे फटाफट ब्रश कर लेते हैं। तो ये हो जाने के बाद देख सकते हैं, ये हो जाने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे डन। तो हम यहाँ पे ब्रश कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे डन। डन कर देने के बाद ये देख सकते हैं, देन यहाँ पे फिर से डन कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम बिफोर एंड आफ्टर और यहाँ पे कर लेंगे सेव। सो आज के लिए बस इतना ही।